हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने चैनल विजन बेस अप्रोच। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले डिफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स आर ऑफ द फर्स्ट डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टूगेदर। डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव ये फर्स्ट डिग्री के हों और वे आपस में मल्टीप्लाई ना हों, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मोस्ट जो जनरल फॉर्म होता है dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू टाइप का होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप का, dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देखिए, यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, py y का कोफिशियंट p है, y का जो भी कोफिशेंट होगा p होगा और ये q होगा राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? e रेज पावर इंटीग्रेशन p dx, ध्यान दीजिएगा। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल में मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, और उसके बाद कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस कर देंगे। जब तक क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या कह रहे हैं ये क्लियर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मैं x से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट, तो dy बाई डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इसी फॉर्म का है। कंपेयर करिए, p के जगह पे माइनस वन बाई एक्स है, q के जगह पे x है, यहाँ लिख लिए हैं। पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। और एक बात, यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है y में है, यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है, dy वाई बाई डी एक्स डेरेवेटिव है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि y और dy वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई से बना हो। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e रेज पावर इंटीग्रेशन p dx। p कितना है? माइनस वन बाई एक्स है, हमने रख लिया। तो देखिए, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स होता है, यहाँ माइनस है तो माइनस लॉग एक्स हो गया, माइनस वन है तो माइनस वन एक्स का पावर हो जाएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम से। तो e रेज पावर लॉग x माइनस वन, एंड दिस कैन बी रिटेन एज, दिस होल्स कैन बी रिटेन एज x रेज पावर माइनस वन मीन्स वन अपॉन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन x हो गया। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और हो सकता है कि आपसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो, तो वन अपॉन एक्स हो गया, आप निकाल लीजिएगा ऐसे ही। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग सॉल्यूशन कैसे क्या करेंगे? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो वाई इंटू वन अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी है? तो क्यू की वैल्यू एक्स है, यहाँ देखिए एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, वन डी एक्स हो जाएगा, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस सी हो गया।
एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स हो गया। और इस तरीके से हम लोगों ने इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया और यही जो है आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। अगर आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और वीडियो मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे और कोई भी वीडियो आप मिस न करें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।